जोधपुर में 30 अगस्त को मनाए जाने वाले मोहर्रम पर जो सरकार की गाइडलाइन के तहत मोहर्रम किस प्रकार से मनाए जाने के लिए मोहर्रम एकता कमेटी के सदर उस्ताद हाजी हमीम बख्श जोधपुर DCP धर्मेंद्र सिंह यादव से मिलकर गाइडलाइन के बारे में पूछा, जिसमें DCP ने बताया कि क्रम नंबर 5 के तहत किसी भी धर्म के धार्मिक त्योहारों पर पूरी पाबंदी है, जिसके चलते मोहर्रम पर भी वही नियम के अनुसार सब अपने अपने घरों में ही रहकर मुख्तसर फातिहा दरुद करके अपने अपने घरों में ही रहकर मोहर्रम मनाए, किसी प्रकार की भीड़ भाड़ नहीं करनी होगी, ढोल ताशे अखाड़ा प्रदर्शन नहीं होगा, लोगों को अपने अपने घरों में रहकर ही मोहर्रम की रस्मों को अदा करना होगा। मोहर्रम के पावन अवसर पे मोहर्रम एकता कमेटी और समाज के मौजूद लोगों से हमारी वार्ता हुई है। इसमें जो 3 कार्यक्रम है, सद्दे का जुलूस है, कत्ल की रात है, मुहर्रम है, फूल प्याला है, इन सब को लेकर चर्चा हुई है। अनलॉक 3 के जो गाइडलाइंस हैं उसमें स्पष्ट है कि किसी भी तरह का धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक संस्थान अभी बंद रहेंगे। पूर्व में भी हर समाज, हर वर्ग ने काफ़ी सहयोग किया है। हाल फिलहाल में बकरीद, गणेश चतुर्थी जैसे कार्यक्रम आए और उसमें आप लोगों ने, सब ने अच्छा सहयोग किया है। इसमें भी चर्चा के बाद हमने ये तय किया है कि जैसे जो गाइडलाइंस हैं कि घर में ही हर तरह का भी धार्मिक कार्यक्रम होगा तो उसमें आप लोग वैसे ही मनाएं। और मुख्तसर जो फातिहे हैं, वहदूद जो है, दरूद, वो आप लोग घर में ही दुआ करें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना महामारी से बचना भी हमारी प्रायोरिटी है और साथ में अपने आस्था और धर्म के प्रति जो भावना है उसको बनाए रखना भी ज़रूरी है। तो सुरक्षित तरीके से अपने घर में हम लोग ये पर्व भी मनाएंगे और हम आशा करते हैं कि जैसे आप लोगों ने पहले सहयोग किया वैसे ही करेंगे।